नमस्कार दोस्तों, माय योगा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी पर मैं उपाय दे रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी कोई तंत्र मन से वीडियो लाए तो अपडेट मिल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष भादो माह के कृष्णा पक्ष की आठवीं तिथि के दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। कृष्णाष्टमी का पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन लोग व्रत रखते हैं और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी सबसे प्रिय है। वास्तु शास्त्र में भी बांसुरी की बेहतर शुभ माना गया है। ऐसे में बांसुरी से जुड़ी कुछ उपाय करने से आप अपने जीवन में खुशहाल बना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं इस उपाय के बारे में। तो दोस्तों, पहला उपाय है कि आप घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो दोस्तों, बांसुरी सम्मोहन खुशी और आकर्षण का प्रतीक माना गया है। हर कोई इसकी मधुर धुन से आकर्षित हो जाता है। बांसुरी बजाने पर इससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है एवं वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होती है। ऐसे में यदि आपको लगता है कि घर में नकारात्मक शक्ति का वास है, तो चांदी की एक बांसुरी बनाकर भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। यदि आपका चांदी की बांसुरी नहीं खरीदते हैं तो आप एक बांस की बांसुरी भी ले सकते हैं। तो श्री कृष्ण को बांसुरी अर्पित करने से आपका सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और घर का नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। तो घर में खुशहाली बने रहते हैं और भगवान श्री कृष्ण आप पर पसंद रहते हैं। तो दोस्तों, दूसरा उपाय आपको करनी है। आपको दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी में अनबेल होती रहती है, लड़ाई झगड़ा होती रहती है, तो इस उपाय को आप करना है। पति पत्नी के बीच अनबेल होती है दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन एक बांसुरी लाएं और उस बांसुरी को भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करें। इसके बाद वे बांसुरी को अपने बेड के पास रखें। ऐसे करने से आपका विवाहित जीवन में खुशहाल हो जाएगा और पति पत्नी में जो अनबेल हो रहा है वे अनबेल दूर हो जाएगा। तो दोस्तों, आप व्यापार में उन्नति पाना चाहते हैं, व्यापार में लाभ पाना चाहते हैं, तो ये तीसरा उपाय आपके लिए लाभदायक है। तो दोस्तों, व्यापार में आप लाभ पाना चाहते हैं, तो इसके अलावा यदि आपका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है तो अपने कार्यालय में या दुकान के मुख्य द्वार पर ऊपर में दो बांसुरी लगाएं और व्यापार में उन्नति होने लगेगी। तो दोस्तों, आप व्यापार नहीं चल रहा है तो आप मुख्य द्वार पर दुकान के ऊपर आप ये दो बांसुरी लगाएं तो उससे नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और आपको जो व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार में घाटा लग रहा है, तो आपको व्यापार भी चलने लगेगी और व्यापार में उन्नति होने लगेगी और व्यापार आपको अच्छी खासा चलने लगेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आप करते हैं जन्माष्टमी के दिन तो आपको अपना पूर्ण हो जाती है। और इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।